हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट और ग्रुप डी के अलावा स्टेट पुलिस और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और एक बात दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आप आसानी से देख सकें। इस तरह का वीडियो आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ यानी हमारे चैनल पर अपडेट किया जाता है, जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएँ। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सवाल है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया, तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान ने दिया था, लेकिन कंप्यूटर के पिता या जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर के कुल कितने पीढ़ियाँ विकसित की गई है? तो दोस्तों वर्तमान में कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैकम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वैकम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, तो प्रथम। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो द्वितीय पीढ़ी का। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। और चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर। इसी प्रकार ये चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के व्यावसायिक भाषा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के व्यावसायिक भाषा कोबोल को कहा जाता है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक भाषा कौन है या किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का वैज्ञानिक भाषा प्रोटॉन है, और लेकिन कंप्यूटर का व्यावसायिक भाषा कोबोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस है? दोस्तों विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस है माइकल एंजोला। और भारत का प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है, तो सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और एग्जाम यदि पूछा जाए एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों एड्स दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस में हर एक बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एग्ज़ाम में यानी कि ना चाहते हुए गलती हो जाता है, तो इसके वजह से इस पर ध्यान देना है कि गलती ना हो। तो गलती यानी कि इस गलती को किस तरह सुधारा जा सके, तो इसमें इस थोड़ा सा इस यानी इस बात पर ध्यान देना है कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स ए से शुरू होता है, और यानी ए फॉर एड्स और ए फॉर एक भी होता है, तो एड्स मतलब एक, ए फॉर एड्स और ए फॉर एक, तो इस बात से आप पहचान सकते हैं कि एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर की नई नीति की घोषणा कब की गई? भारत में कंप्यूटर की नई नीति की घोषणा कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। और यदि पूछा जाए कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का यानी कि परत होती है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो इसका जो आंसर है आप सही से एकदम ध्यान से सुने, एक बार और पढ़ देता हूँ, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप का खोज किसने किया? तो दोस्तों कंप्यूटर का आईसी चिप का खोज जेसी किल्वी ने किया। और आईसी चिप का फुल फॉर्म यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और पूछा जाता है एग्जाम में कि आईसी चिप जो है किस चीज़ का बना होता है, तो आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। और भारत में सिलिकॉन का वैली किसे कहा जाता है, तो बंगलौर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट कॉम
डॉट कॉम क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों डॉट कॉम जो है वो डोमेन नेम है, जैसे कि डोमेन नेम, इसके अलावा हो गया डॉट इन आई एन, डॉट इन होता है जिसे जो इंडिया को अति सूचित करता है, और डॉट कॉम जो है पूरे विश्व को सूचित करता है, विश्व में यानी कि कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और डॉट इन जो है इंडिया को सूचित करता है, और इसी प्रकार हर एक देश का डोमेन नेम अलग अलग होता है। तो डॉट कॉम जो है क्या चीज़ निरूपित करता है, तो ये संचार क्षेत्र को निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर के गति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर का गति जो होता है वो MIPS में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों WW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया, और WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था, लेकिन इसका यूज प्रथम बार 1990 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर है? तो दोस्तों भारत का प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, लेकिन भारत का सिर्फ पूछा जाए भारत का प्रथम कंप्यूटर तो सिद्धार्थ है, और अभी वर्तमान में पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो दोस्तों भारत का सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्यूष है, जो कि 8 जनवरी को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो पुणे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी मेमोरी है? तो दोस्तों अस्थायी मेमोरी रोम है, रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ओ अस्थायी मेमोरी कौन है, तो दोस्तों ओ अस्थायी मेमोरी है रैम, जिसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रैम रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, जिसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर कुल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल। दोस्तों मैं और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा। और ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। दोस्तों मैं इसी तरह आप लोगों तक यानी कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।